हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निजरानास किचन। आज मैं आपके साथ सिंपल वेज पिज्जा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप ये देख ही रहे हैं कि ये देखने में कितनी बढ़िया और मजेदार लग रही है। आप इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। चलिए फिर पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। पिज्ज़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले उसका डो तैयार करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे एक कप मैदा लेंगे और एक चौथाई छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच नमक। अब हम इसको छान लेंगे। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच चीनी डालेंगे, ये दो बड़े चम्मच दही। अब इसमें आधा बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसका सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। ये देखिए, पिज्जा का डो हमने बना लिया है। अब हम इसको फर्मेंट होने के लिए आधे घंटे तक ढक के रख देंगे। ये देखिए, डो को हमारे रखे हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है। हम इसे एक बार और हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे। हम यहाँ पे एक बड़ा पिज्जा बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक बड़ा डो लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए इसको एक मोटी रोटी की तरह बेल लेंगे। अब हम इसके ऊपर छेद कर लेंगे ताकि जब हम इसे पकाए तो ये फूले ना। अब हम यहाँ पे एक पैन ले लेंगे और पैन को हम अच्छी तरह से गर्म करके आंच को बिल्कुल कम कर देंगे। अब हम इसमें बेला हुआ पिज्जा का डो डाल देंगे। अब हम इसे ढक के लगभग 30 सेकंड के लिए कम आंच पे पकाएंगे। ये देखिए, बेस हमारा एक तरफ से पक गया है। अब हम इसको पलट लेंगे और हम आंच को बंद कर देंगे। अब हम इसके ऊपर पिज्जा सॉस लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब हम इसके ऊपर से चीज सॉस डालेंगे और फिर इसके ऊपर से मोजरेला चीज डालेंगे। अब इसके ऊपर से सब्जियां डालेंगे। सब्जियां आपको जो पसंद हो आप वो डालें। मैं इसमें प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च डाल रही हूँ। ये देखिए, सब्जियां हमने इसके ऊपर लगा ली है। अब हम इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा चीज सॉस लगा लेंगे और फिर इसके ऊपर से मोजरेला चीज। अब हम इसके ऊपर से चिली फ्लेक्स छिड़क लेंगे और साथ ही पिज्जा सीजनिंग भी डाल देंगे। अब हम इसको ढक के कम आंच पे पकाएंगे जब तक कि हमारा अच्छी तरह से चीज मेल्ट ना हो जाए। ये देखिए, चीज हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और पिज्जा भी हमारा बनके तैयार है। चलिए अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। पिज्जा की इस रेसिपी को आप घर में जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ नजराना किचन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।